नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय नंदा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों का समझौता कर लिया, जिसके तहत बीजेपी सूबे की 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अपने सहयोगी दलों के लिए उसने 6 सीटें छोड़ी और उन 6 सीटों का आपस में सहयोगी दलों के साथ अब बांट भी दिया है। ऐसे ही कड़ी में इन्हीं 80 सीटों का बंटवारे के बाद जब इंडिया गठबंधन में आई तो तनातनी की स्थिति पहले तो कांग्रेस और सपा में देखने को मिली, लेकिन जब कांग्रेस और सपा इससे बाहर आ गई तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रही अपना दल कमेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल का विवाद हो गया। और दोनों का विवाद तो इस स्तर पर हुआ कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश से अपना नाता तोड़ दिया। दरअसल सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, सूबे की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। वहां पर माना जा रहा था कि अखिलेश यादव यानी कि सपा से 3 उम्मीदवार जीत कर सांसद बन जाएंगे, जबकि भाजपा के साथ। अब जब 3 उम्मीदवार अखिलेश ने पेश किए तो उसमें पल्लवी पटेल ये मांग रख रही थी कि उनकी माता कृष्णा पटेल को राज्यसभा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बनाती चली, लेकिन अखिलेश ने इस पर मंजूरी नहीं दी, जिस पर पल्लवी की कड़ी नाराजगी देखने को मिली। जिसके बाद सूबे के विधान परिषद चुनाव हुए, वहां भी एक सीट की मांग पल्लवी ने अपने लिए रखी, लेकिन वो भी अखिलेश से भी नहीं मिली। लिहाजा दोनों का गठबंधन टूट गया और फिर पल्लवी पटेल ने AIMIM के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया और वो 4 से 5 सीटों पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें फूलपुर सबसे ज्यादा निगाहों में बना हुआ है। इस बीच अब चर्चा यहां पर ये भी है कि पल्लवी पटेल को किसी तरीके से अखिलेश यादव मतदान से पहले मनाने की कोशिश कर सकते हैं और वापस उन्हें अपने साथ गठबंधन में ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।